Children, today I am going to narrate a beautiful story in Hindi. The name of the story is Bhediya Aaya. So, let's hear a story in Hindi. बच्चों, कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसका नाम था राजू। उसके पास कई सारी भेड़ थी, जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले आता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा उबता रहता। इस वजह से वह रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, भेड़िया आया, अरे कोई तो बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। हा हा हा, बड़ा मजा आया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो आप सब, हा हा हा। उसकी ये बात सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हाँफते गांव वाले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को यानी कि राजू को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अकल ना आई। उसने फिर दो तीन दिन के बाद ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने फिर से चरवाहे की चिल्लाने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भर यूं मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िये को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गए। यह सब देख चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी प्यारी भेड़िये का शिकार बन चुकी थी। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था
और उसने गांव वालों से माफी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखा बच्चों, राजू को अपनी झूठ बोलने की आदत से कितना नुकसान हुआ। उसे अपनी सारी प्यारी प्यारी भेड़े को खोना पड़ा। सो हमें ये कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। तो बच्चों, आज हम अपने आप से एक वादा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सब यह वादा अपने आप से करेंगे? हम यह वादा करेंगे कि हम हमेशा सच बोलेंगे और हमसे बड़े यानी मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी या अंकल आंटी या तो टीचर्स, किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप यह सीख अपने जीवन में उतारेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू।